हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ पर गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और इनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप वीडियो को इत्मीनान से देखेंगे और इन क्वेश्चनों का यहाँ पर लुत्फ उठाएंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलती है आर्मी के आधार पर दोस्तों नई नई वीडियो और हर एक एग्जाम के आधार पर नए नए अपडेट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान के देखेंगे, उसके बाद हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को भी देखेंगे। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा अवार्ड हमारा होता है अर्जुन पुरस्कार। अब ये किसको दिया जाता है आपको बताना है। यहाँ पर खिलाड़ियों को, या कवियों को, या वैज्ञानिकों को, या फिर अभिनेताओं को। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका खिलाड़ियों को दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कश्मीर की घाटी का मुख्य शहर आपको बताना है, सिटी बतानी है कौन सी होगी। ये आपका दोस्तों पठानकोट, या श्रीनगर, या कुपवाड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा श्रीनगर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। ये आपका जापान, या स्विट्जरलैंड, या नॉर्वे, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर नॉर्वे को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला नॉर्वे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें लिखा होता है। दोस्तों कहाँ से लिया गया आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, ये आपका मांडुक्य उपनिषद, या फिर ऋग्वेद, या फिर नाट्यशास्त्र, या फिर सामवेद। दोस्तों ये आपका यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका बार बार पूछा आता है। ये आपका दोस्तों ओडिशा, या बिहार, या मध्य प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओडिशा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मिजोरम की आपको राजधानी, आपको सभी राज्यों की दोस्तों याद होनी चाहिए कैपिटल, तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। ये आपका दोस्तों आइजोल, या शिलोंग, या इम्फाल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपके यहाँ पर आइजोल हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, आइजोल। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका एक पारंपरिक या फिर आप कहें लोक नृत्य आपका दोस्तों अवश्य आता है। ये आपका दोस्तों बिहार का, या असम का, या पंजाब का, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहू आपका असम का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लंदन डेडेस नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है आपको बताना है। दोस्तों ये जेम्स, या टेम्स, या हेम्स, या थेम्स। दोस्तों ये आपका यहाँ पर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं, दूरी, दिशा, ऊंचाई, या फिर इनमें से सब। दोस्तों ये आपका यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी यहाँ पर दूरी, दिशा, ऊंचाई सभी को यहाँ पर दोस्तों एक नक्शे के माध्यम से पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों आर्मी के लिए। ये आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या भारतीय राष्ट्रपति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है। ये प्रशांत महासागर, या हिंद महासागर, या अरब महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रशांत महासागर, बड़ा भी दोस्तों और गहरा भी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया, अर्थात दोस्तों कब आजाद कराया, ये आपको बताना है। ये आपका दोस्तों 1947 में, या 1965 में, या 1961 में, या 1960 में। दोस्तों ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 1961 में दोस्तों आजाद करवाया था। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको मुख्य मुख्य शहर यहाँ पर याद रखने हैं जो यहाँ पर नदियों के तट पर बसे हुए हैं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए सीन, या थेम्स, या वोल्गा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पेरिस यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए, पेरिस आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सीन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है। ये आपका दोस्तों रीवा में, जयपुर में, या चंडीगढ़ में, या लखनऊ में। ये आपका दोस्तों लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेशनल बोटानिकल गार्डन आपका लखनऊ में स्थित है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, H1N1 क्या है? ये आपका दोस्तों खांसी या बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्वाइन फ्लू का एक विषाणु होता है दोस्तों, वायरस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका C12 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है, अर्थात दोस्तों हंसाने वाली गैस कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपके दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों D12 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों अयस्क का मतलब और आपका जिनसे दोस्तों हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। ये आपका दोस्तों बॉक्साइड होगा या कच्चा जस्ता होगा या कैल्साइड होगा या शीशे का या दोस्तों शीशे की कच्ची धातु होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका बॉक्साइड होता है दोस्तों। बॉक्साइड में अधिकांश यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका A12 सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत आयत पूछा आता है। ये नियोन का या नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या कार्बन मोनोऑक्साइड का। दोस्तों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का दोस्तों आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? यह आपका चमगादड़ या कंगारू या गिलहरी या प्लेटिपस। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें से अंडा देने वाला क्या स्तनपायी आपको बताना है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनमें अंडे देने वाला आपको स्तनपायी बताना है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर होगा प्लेटिपस दोस्तों। ऑप्शन नंबर D12 आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? यह आपका दोस्तों रडार से या ऊतकों का विज्ञान या लेजर बीमा का अध्ययन या दोस्तों प्रसूति शास्त्र से। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपका दोस्तों प्रसूति शास्त्र संचालन से दोस्तों जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसके माध्यम से भ्रूण का भी पता लगाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका D12 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो आपने यहाँ पर देखिए। और भी दोस्तों बचे हुए क्वेश्चन को हम आपको अगले पार्ट में कराएंगे, और हमारे साथ भी बने रहेगा दोस्तों। ओके थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।